14 दिन की जंग में सबसे ज्यादा नुकसान गाजा का हुआ है। 4000 लोग मारे गए और 10 लाख लोगों पर खाने का संकट है। राहत सामग्री से भरे 100 ट्रक अब भी राफा क्रॉसिंग पर फंसे हुए हैं और इसराइल के हवाई हमले जारी हैं। गाजा पर अब तक इतना बारूद बरस चुका है जिसने हिरोशिमा पर 1945 में गिराए गए एटम बम की याद दिला दी। चौदह दिन से गाजा में गदर मचा है। घर मकान दुकान सब खंडर बन गए। एटम बम से जितनी तबाही होती है उसके बराबर बारूद गाजा में फट चुका जो हिरोशिमा की याद दिलाता है। अठहत्तर साल पहले 6 अगस्त 1945 सुबह ठीक 8:15 अमेरिकी एयरफोर्स ने B-29 बॉम्बर से हिरोशिमा पर लिटिल बॉय एटम बम गिरा दिया। 43 सेकंड में यह हिरोशिमा से टकराया। बम 4000 किलो का था जिसमें 65 किलो यूरेनियम था। 1,40,000 लोग एक झटके में मरे थे। गाजा में तबाही इतनी तो नहीं है लेकिन हालात बुरे हैं। गाजा पर कितना बारूद बरसा, कितनी गोलियां चली, कितनी मिसाइलें दागी गई, रिपोर्ट डरावनी है। अभी तक गाजा पर इसराइल 6 टन से ज्यादा बारूद गिरा चुका है। गाजा पर 8000 बम अब तक फट चुके हैं। इसराइल 4000 ठिकानों को टारगेट कर चुका है। 11 लाख गाजा से विस्थापित हो चुके हैं। बमबारी में गाजा के 30% घर तबाह हो चुके हैं। 136 से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्रों पर हमला हो चुका है। गाजा की 23 लाख आबादी में से 10 लाख लोग ऐसे हैं जो बिजली पानी और दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। राहत सामग्री से भरे 100 ट्रक मिस्र के राफा क्रॉसिंग पर खड़े हैं। हवाई हमलों का हवाला देकर मिस्र ने ट्रकों के पहिए जाम कर रखे हैं। यानी मिस्र राफा क्रॉसिंग से ट्रकों को गाजा में एंट्री नहीं दे रहा। राफा क्रॉसिंग गाजा पट्टी के दक्षिण में एक बॉर्डर क्रॉसिंग है। इसराइल और मिस्र बॉर्डर के बीच एंट्री पॉइंट है लेकिन राफा का एंट्री गेट मिस्र की तरफ है। मिस्र के पास इस क्रॉसिंग को खोलने का अधिकार है। राफा क्रॉसिंग गाजा पट्टी को मिस्र के सिनाई रेगिस्तान से जोड़ती है। गाजा पट्टी के पास एक और बॉर्डर है केरम शलोम। इसका इस्तेमाल कारोबार के लिए होता है। 7 अक्टूबर के बाद से दोनों बॉर्डर बंद है। मिस्र ने राफा क्रॉसिंग पर खड़े 20 ट्रकों को गाजा भेजने की हामी भरी थी जिनमें दवा और जरूरी सामान है लेकिन अब तक इन ट्रकों के पहिए आगे नहीं बढ़े। सवाल है क्या दुनिया गाजा को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।